హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఇజాజ్ బ్లాగ్స్. మన నంద్యాలలో వినాయక చవితికి 2024 వినాయక చవితికి సంబంధించిన మంచి మంచి విగ్రహాలు నంద్యాలలో ఎక్కడ లేని విగ్రహాలు కూడా మనకి ఇక్కడ దొరుకుతాయండి. ఎక్కడో కాదు, అడ్రస్ వచ్చేసి పాలకేంద్రం నుంచి అల్లూరుమెట వెళ్ళే రహదారిలో ఈ విగ్రహాలు అయితే ఉంటాయండి. స్టార్టింగ్లో వచ్చే విగ్రహాలు కూడా బాగానే ఉంటాయి. అలా కాస్త ముందుకు వచ్చామంటే ఇండియన్ ఆయిల్ పెట్రోల్ బంక్ ఉంటుంది. అలా కాస్త ముందుకు వచ్చామంటే ఈ ఇక్కడ ఎస్పీవైరెడ్డి పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర అయితే ఈ విగ్రహాలు అయితే ఉంటాయండి. ఇక్కడ విగ్రహాలు అయితే 50% బుకింగ్ కూడా అయిపోయాయి. ఇంకా కొన్ని విగ్రహాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈసారి అయితే చాలా బుకింగ్స్ అయిపోయాయి. ఈ విగ్రహం ఎన్ని హైట్లు ఉంది, ఎంత అమౌంట్ నుంచి ఎంత అమౌంట్ వరకు వస్తుంది అని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అన్న. కొద్దిగా చెప్పండి, ఈ విగ్రహం ఎంత నుంచి ఎంత వరకు వస్తుంది? 10 ఫీట్ ఎలుకతో నందితో ఈ విగ్రహం అయితే ఉంది. 10 ఫీట్ల వరకు ఈ విగ్రహం అయితే ఉంది. వీళ్ళ దగ్గర ఇదే టాప్. 28 విగ్రహాలు ఉంటే 4 అయితే బుక్ అయినాయి. మిగతావి అయితే ఉన్నాయి. మీరు తొందరగా వస్తే బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. हिंदी में बोलते बात करता है. तेलुगु में ना तेलुगु पीछे का रेडी डन. भैया ये वाला मूर्ति कितना हाइट रहेगा? भैया ये वाला मूर्ति कितना हाइट रहेगा? वो 9 फीट हाइट है. ओपन साफ है. और कितना कास्ट आएगा? वो आएगा 25 से 30 तक रहता. अब कुछ तो डिस्काउंट देता नहीं? डिस्काउंट होता ना, डिस्काउंट रहता. अच्छा ये वाले कितने मूर्ति है अभी? ये है 14 मूर्ति है. 14 में से 7 बुकिंग है. 7 बुकिंग है. 7 तो नहीं, 7 बाकी है. अच्छा ठीक है भाई, इसमें अभी कलर कुछ तो आएगा. ये व्हाइट जी किया था, गोल्ड व्हाइट जी किया था. पाम को दूसरा कलर आता है, ऐसा स्नेक का अलग कलर है. मूर्ति कितना हाइट रहता? वो है तो 7.5 फीट. 7.5 कदम रहता. और कास्ट आके कितना रहता? रहता 20-15 तक लास्ट. 20-15 तक लास्ट रहता. और इसमें क्या तो कुछ मॉडिफाई करते? डेकोरेशन आता पीछे, मेटालिक कलर आता. जिग्गी ऐसा इस पर जिग्गी, इसमें जिग्गी आता. जिग्गी आता डिजाइन में, मेटालिक कलर पीछे आता. अरे कितने पीसेस है? वो है 10-10 फीट. 10 पीसेस है. 10 बुकिंग है, 7 होने. 10 बुकिंग, 7 बाकी है. बोला हाँ भैया अंकुलू मूर्ति तो आ रहा है सामने वाले देखो. वाला मूर्ति कितना हाइट रहता? ये है तो 7.5 फीट. 7.5 खत्म रहता. और कास्ट कितना रहता? कास्ट क्या रहता? 18,000. 18,000 15,000 से 18 तक रहता. और इसमें कुछ तो जिग्गी आता, फिर मेटालिक कलर मंदिर आता. मंदिर ये मूर्ति राम को कुछ डिजाइन करते. गोल्डन जिग्गी आता. गोल्डन जिग्गी आता. और हनुमान को भी जिग्गी गोल्ड आता. पेंटिंग आता. अच्छा ठीक है, कितने मूर्ति है? ये है 10. 10 मूर्ति है. 10 बुकिंग है. 10 बुकिंग है, 7 बाकी है. ओके मूर्ति कितना है रहता? अब भैया ये मूर्ति कितना हाइट रहता? ये 9 फीट रहता. उसका कास्ट आगे रहता 23. 18-15 तक छोड़ रहे लाइट. अभी ये हैदराबाद पेंटिंग रहता पूरा. हैदराबाद पेंटिंग रहता. इसमें कुछ ऐड करते क्या? पेंटिंग जिग्गी नंग नंग वस्तु ये ग्रीन रेड नंग नंग वस्तु कुंदन वर्क आया था. और ये कितने मूर्ति है? ये 10 है. 10 मूर्ति है. ये 6 बुकिंग है. 4 होने. 4 है. 4 बाकी है. ये वाला मूर्ति कितना है? ये 10 फीट है. 10 फीट रहता. और कितना कास्ट रहता? ये है तो 30 रहता. 25 तक. 32 32 रहता. 30 तक रहता. 25 लास्ट रहता. 25 लास्ट. अच्छा ये वाला मूर्ति कितनी है अभी? 10 है. 10 पीसेस है अभी अवेलेबल में. और इसमें कुछ पेंटिंग वगैरह बाकी है ना? जिग्गी आता है. अलग अलग कलर आता है. नंग आता है. कुंदन आता है या जिग्गी आता है?
येलो कलर वाला। ओके फ्रेंड्स, अरे ये वाला मूर्ति कितना है रहता है? ये 9 फीट हाइट है। 9 फीट हाइट है। और कास्ट कैसा रहता है? कास्ट इसका रहता 28 से 28 तक रहता है। और इसमें कितने मूर्ति है? इसमें 10 है, 4 बुकिंग है, 6 है, 6 अवेलेबल में है 10 में। और इसमें वाइट जी किया था, अच्छा था, और में अति कम अच्छा था, हाथी का भी अच्छा रहेगा। नंदी को सीढ़ी जाता, फिर सीढ़ी बढ़ता है नंदी के ऊपर। ओके, ये वाला मूर्ति कितना हाइट रहता? 10 कदम रहता। और इसमें कास्ट कितना? कास्ट रहता 28 से 30,000 रहता। और ये 25 तक लास्ट कुछ तो नाम बाकी है क्या? कंप्लीट है ये पूरा मूर्ति कंप्लीट है क्या? इसमें अभी कितने मूर्ति है? 7 मूर्ति है, 2 बुक हुई है, 5 मूर्ति अवेलेबल में है, 2 मूर्ति बुक हो गई। ओके, कितना हाइट रहता ये है? तो 8 फीट हाइट है, 8 कदम रहता। और इसका कास्ट कितना? कास्ट है तो 22 रहता, 22 से 25 तक रहता। कुछ तो डिस्काउंट देते क्या इस मूर्ति पर? फुल डिस्काउंट है, 18 तक है डिस्काउंट रहता, 18-17,000 में रहता। और इसका क्या तो काम बाकी है क्या? जिग्गी आता अभी जिग्गी था, पंचा वर्क तो पूरा फिनिश करना टाइम लगता है। अब वैसे ना जो तू मैं में है तो क्लैरिटी आता है। देखे कमल क्वालिटी के देखो मेरे पैसा है कि
ఆ వీడియోస్ ఓసీలో వస్తున్నారు, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం లేదు. अच्छा नहीं होता है.